नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल मुहर्रम का जुलूस परंपरागत तरीके से निकाला गया। इस मौके पर शिया समुदाय की तरफ से मातम का जुलूस निकाला गया। पुलिस प्रशासन भी इस मौके पर मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय दिखी। पीर गेट चौराहे से लेकर करबला तक जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, जिसके मुहर्रम में आए दिन लोगों को समस्या न करना पड़े। व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए एसपी हनुमानगंज द्वारा बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद किया गया। मोमिनों इस गम को मनाते चलो, फर्शे अदा मिलके बिछाते रहो, परचमे अब्बास उठाते रहो। माशाल्लाह तू बेहतर सैयद बादशाह, सुभान अल्लाह सरजमीन तेरी करबला। जाने जान जान जानान करबला, जाने जान जान जानान करबला। सैयद बादशाह हुसैन, सैयद हुसैन, सैयद सरदार हुसैन, मेरे सरदार हुसैन, सैयद सरदार हुसैन, मेरे सरदार हुसैन, मेरे मुख्तार हुसैन, सैयद बादशाह हुसैन, सैयद बादशाह हुसैन, सैयद बादशाह हुसैन, सैयद बादशाह। कल कत की रात में हमारी जो व्यवस्था थी पूरे इंटायर सिटी में थी। देखिए, हमारे अगल बगल में हमारे अधिकारी भी बैठे हुए हैं और आप हमारे एसीपी एंड साहब हैं और मैडम है एसीपी। देखिए, ये व्यवस्था हमारी चार दिन से लगी हुई है लगातार, जिसको आप मुहर्रम का 9, 10, 11 कहते हैं, उस तारीख से लगी है। और इसमें हमने कल कत की रात में हमारी जो व्यवस्था थी पूरे इंटायर सिटी में थी। हमने हर जगह जो ताजिए और सवारियां जो वहां से उठी हैं और जो अपने हुसैनी इमामबाड़ा पे गई हुई हैं, उनके साथ एक एक ऑफिसर किया है। और कल रात में 3, 3:30 बजे भी काजीगंज से बड़े बड़े जो ताजिए वो निकले हैं, उनके साथ बहुत हुजूम था। उनके साथ कम से कम 400-500 लोग थे, उनको कंट्रोल किया। वापस ये लोग करीब 5:30-6 बजे तक अपने गंतव्य स्थान की ओर वापस गए हैं और प्रॉपर व्यवस्था रही, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। सर, कौन कौन से रैंक के अधिकारी रहे? देखिए, रैंक के सभी अधिकारी थे। डीसीपी साहब हमारे जो हैं वो खुद वहां घूम रहे थे अपनी गाड़ी में, एडिशनल डीसीपी मैम घूम रही थी, एसीपी सब लगे हुए थे, टीआई सब लगे हुए थे और जितने भी सब इंस्पेक्टर ब्रावो वगैरह हैं वो सब अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए थे।